जारी होगी। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो मोदी सरकार है उसने काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी यहाँ पर दिए गए हैं, और जो 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया है, यानी जो बीमारी के लिए जो रहता है उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं ये मेडिकल्स हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं, जिससे सीधा बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट मिलता है, जो कि आप उससे इलाज करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 5 लाख तक का जो है आपको यहाँ पर जो लाभ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हम आपको यहाँ पर बता दें किसान भाइयों, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी योजनाएँ जो हैं वो मोदी सरकार की यहाँ पर चल रही हैं, और जिससे बेनिफिट जो है वो सीधे किसानों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़े अपडेट भी हैं, और काफ़ी बड़े अपडेट हैं, और काफ़ी सारी योजनाएं जो है वो मोदी सरकार ने लॉन्च की है, जिससे किसान भाई बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके करोड़ों किसान भाई 17वें इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 28 फरवरी 2024 को जो है यहाँ पर 16वीं किस्त जारी कर दी गई थी, तो अब यहाँ पर है 18वीं यानी 17वीं किस्त का इंतजार। तो ये इंतजार अब आपका खत्म हुआ, क्योंकि ये पैसा आपको बैंक खाते में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट में लगभग 9 करोड़ किसान भाइयों को जो है वो यहाँ पर पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो वो इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है, और यहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिख के दे दिया गया है, हम ये भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, और ये पैसा किन किन किसान भाइयों को मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। सारा कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे किसान भाइयों। बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गया है। करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है कि ये पैसा कब आएगा, और काफी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी यहाँ पर एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा भी दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों को पहले पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी यहाँ पर पैसा दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा अपडेट भी दे दिया गया है। आप यहाँ पर जो मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी आकर आप देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, और आपकी अगर ई केवाईसी कंप्लीट है तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको 3 चीजें अनिवार्य है। नंबर 1 पे जो आता है आपकी आधार शेडिंग होनी चाहिए, लैंड शेडिंग होनी चाहिए, और केवाईसी होनी चाहिए, और FTO जो है वो यस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो योजना है जो शुरुआत की गई है, यहाँ पर किसानों को काफी लाभ दिया जा रहा है, और 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ यहाँ पर किसानों को पैसा भी मिलेगा और पास आपको मिल सकता है, और ये बड़ा तोहफा होगा जो कि किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको ट्विटर अकाउंट यानी जो पीएम मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि ये पैसा आपको कब तक रिसीव होगा और कितने रुपए का होने वाला है। वैसे तो हम आपको बता दें काफी सारी राज्य सरकारें जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए दे रही है, यानी 2,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं और 2,000 रुपए राज्य सरकार आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस अकाउंट पे ही आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के लिए जो है वो पैसा यहाँ पर मिल चुका है। 11 करोड़ से विश्वास के साथ सबसे बड़ी योजना जो है वो DBD की योजना के माध्यम से जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये जो मिलते हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत ये सबसे बड़ी बेनिफिट DBD योजना है, जिसके तहत किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिलता है। और
किसानों को जो है वो पैसा यहाँ पर दिया जाता है। सबसे बड़ी विश्वास यानी हर महीने यानी हर 3 महीने के बाद एक किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाती है, और जिससे किसान इससे काफी सारा उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से मिलता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है आपके बैंक खाते में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत डॉक्यूमेंट बेनिफिटरी जो है डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफर जो है वो पैसा के माध्यम से आपको यहाँ पर दिया जाता है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को अभी तक 3 लाख करोड़ जो पैसा है उनके हस्ताक्षर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्वास की सबसे बड़ी योजना जो है वो सम्मान निधि योजना है, और जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और काफ़ी सारी सरकारें किसानों को यहाँ पर जो पैसा है वो 4,000 रुपये भी देते हैं। यानी का जो सरकार है उनको 2,000 रुपये जो है सरकार देती है, और 2,000 रुपये राज्य सरकार यहाँ पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब यहाँ पर 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 3 करोड़ से अधिक जो है लाभ यहाँ पर मिल चुका है, वो भी सीधे बैंक खाते में किसानों के आ चुका है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी योजना जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसके तहत किसानों को सीधा बेनिफिट आपके बैंक खाते में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अनुमान है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की का जो इंतजार कर रहे हैं वो अब जल्दी ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। अगर आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प भी कर सके। उनके बैंक खाते में होने वाला है, ये 17वीं किस्त होगी किसान भाइयों जो कि आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक अगर बात की जाए तो पूरी पूरी 16 किस्त का पैसा उनको यहाँ पर मिल चुका है, और हम आपको यहाँ पर बता दें 16 दूनी 32,000 रुपये की रकम जो है उनके बैंक खाते में आ चुकी है। तो देखिए अभी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हैं और लाइव देख रहे हैं आप सारा कुछ, तो यहाँ पर किस्त का पैसा आपको किसी दिन भी आपके बैंक खाते में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त तक का पैसा जो है वो किसानों को मिल चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 17वीं इंस्टॉलमेंट की, तो 17वीं इंस्टॉलमेंट में करोड़ों किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये पैसा कब भी आपके बैंक खाते में आने वाला है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दें कि आपकी जानकारी के लिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े अपडेट हैं, और जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में यहाँ पर जारी होगा, और जिससे किसानों को पैसा जारी होगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे करोड़ों किसान भाइयों का कहना है कि हमारी लैंड सीडिंग नो है, तो किसान भाइयों उस पर भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में जाकर भी आप अपने पीएम किसान को फॉर्म को जो है वो जाकर सही कर सकते हैं, और लैंड सीडिंग भी आप जाकर सही कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको पात्र होना अनिवार्य है, अगर आप अपात्र हैं तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पैसे की जो बात की जाए वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पाने के लिए अब की बार जो है किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अनुमान है कि 13,000 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जो है वो 2,000 रुपये या 4,000 रुपये की रकम जो है वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। यहाँ पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है हर साल जो है वो किसानों को 6,000 रुपये की जो राशि है वो सीधे बैंक ट्रांसफर में मिलती है, यानी वो आपको ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे ही अब की बार जो है यहाँ से यानी 2024 की बात करें, और 23 तो आपका एंड होने वाला है, तो 24 तक जो है किसानों के बैंक खाते में एक साथ 4,000 रुपये आने की संभावना है। यहाँ पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वैसे तो बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, सरकार ने और भी फैसला यहाँ पे ले लिया है, और बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की जो चल रही है उसमें भी किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट हो रहा है, और उनके बैंक खाते में भी पैसा आ रहा है। किसी भी योजना को लेके भी आप देख सकते हैं, सभी योजनाओं में किसानों को एक एक साथ जिन जिन का पैसा रुका हुआ है तो वो सारी किस्त का पैसा एक एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर सीधे किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें करोड़ों किसान भाई आज भी इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब रिलीज होगा, या 2,000 मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे। तो हम आपको पहले इस पर चर्चा कर देते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस दिन जारी होगी।
तो हम आपको यहाँ पे बता दें किसान भाइयों, कुछ स्टेडे हैं मतलब होंगे, तो यहाँ पर आपको स्टॉप बाय स्टेट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। तो इन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की आधार सीडिंग पेंडिंग में थी, तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लें, अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। और जिससे किसानों को अब की बार जो है 2,000 रुपये मिलते थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो यहाँ पर एक वीडियो में श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया है।